25 जून 1975 भारतीय इतिहास का काला दिन, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र पर परिवारवाद का करारा प्रहार, राजनीति में एक ऐसी घटना जिस पर देश आज भी शर्मिंदा है। देश ने कभी सोचा तक नहीं था कि सत्तान सुख के मोह में, परिवार भक्ति के पागलपन में लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हिंदुस्तान को जेल खाना बना देंगे। प्रजातंत्र में तानाशाही मंसूबों के उस दौर में आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत जैसे दिन देश एक बार फिर देखने लगा। ऐसे में एक बार फिर जगा देशभक्ति का जज्बा। आरएसएस ने आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई। जगह जगह इस काले फैसले के खिलाफ आंदोलन होने लगे, नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इस देश की जुडिशरी को इतना भयभीत कर दिया गया था, और जो संविधान के प्रति समर्पित थे उनको मुसीबत झेलने के लिए मजबूर कर दिया था। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने फिर बलिदान की गाथा लिखनी शुरू कर दी। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते। संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख रहे श्री बापूराव मोघे ने इमरजेंसी पर लिखे अपने एक लेख में खुलासा किया है कि आरएसएस की देशभक्ति और जनता को मिलते समर्थन को देखकर इंदिरा गांधी को एहसास हो गया था कि अगर भारत में दोबारा से संवैधानिक सत्ता को पाना है, अपनी तानाशाही को वैध बनाना है, तो चुनाव की घोषणा करनी ही पड़ेगी। श्री बापूराव मोघे ने अपने लेख में खुलासा किया कि आरएसएस के बढ़ते प्रभाव से इंदिरा गांधी इतनी डर गई कि उन्होंने चोरी छिपे पर्दे के पीछे से आरएसएस के पास एक प्रपोजल भिजवाया। 1977 के चुनाव से 20-25 दिन पहले आरएसएस के पास ऑफर भेजा गया। उसी दिन संकेत मिल चुके थे कि इनके लिए परंपराएं, मूल्य, देश, लोकतंत्र, संविधान कोई मायने नहीं। प्रपोजल में कहा गया कि अगर आरएसएस कार्यकर्ता चुनाव से पहले इंदिरा सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो आरएसएस पर लगा बैन खत्म कर दिया जाएगा, जेल में महीनों से बंद उसके कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाएगा। मगर आरएसएस ने अपने नेताओं की रिहाई के लिए देश की पीठ में छुरा नहीं घोंपा और इस न्योते को सीधे सीधे ठुकरा दिया। आंदोलन और तेज कर दिया गया। इतने बड़े आंदोलन के बावजूद इंदिरा गांधी की तानाशाही का ऐसा खौफ था कि लोग उनके खिलाफ वोट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हर व्यक्ति को भय रहता था, उसे बता दिया, देख तुम्हारा भी नाम मीसा में है, बस पुलिस आने वाली है, एक भय का माहौल उस समय था। आरएसएस द्वारा न्योता ठुकराए जाने के तुरंत बाद कांग्रेस की तरफ से आरएसएस के खिलाफ जुबानी हमला तेज कर दिया गया। कड़वी और असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता डटे रहे और नतीजा 21 मार्च 1977 को सबके सामने आ गया। जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र न हो उस पार्टी से लोकतंत्र की प्रतिबद्धता कभी कल्पना नहीं कर सकते।